एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और सबसे पहले आप टॉपिक को अच्छे से समझिएगा व्यूअर्स। देखिए, अगर आप अपने पार्टनर के साथ एक नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, ठीक है, आप दोनों के बीच में अब कोई बातचीत नहीं हो रही है, जिसमें आपने भी कहीं ना कहीं अब थक हार कर अपने पार्टनर तक पहुंचना बंद कर दिया है, या इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया है अपनी साइड से, तो ओवरऑल मतलब पूरी तरह से यहाँ पर खामोशी छाई हुई है आपकी साइड से भी, आपके पार्टनर की साइड से भी। तो आज हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इस इंसान को क्या अब आपके ना होने से कोई फर्क पड़ भी रहा है या नहीं, या ये आपको अब याद कर भी रहे हैं, मिस कर भी रहे हैं या नहीं, या वो चीजें भी यहाँ पर अब खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। तो आई होप आप टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे व्यूअर्स। तो ये चीज़ें मैं देखूंगी, अगर पढ़ रहा है तो किस तरह से पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है भाई। जब तुमने रास्ते बंद करे, तुमने ये रिश्ता इस मोड़ पर लाकर खड़ा करा, तो क्यों फ़र्क पड़ रहा है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर कवर करी जाएंगी व्यूअर्स। बस आपको ये याद रखना होगा, रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो आपको अपने आप से हर एक बात में फिट नहीं करना है। अगर आपको अपने आप को हर एक बात में फिट करना है, तो पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं, जिसमें आपके पार्टनर और आपके नाम से ही रीडिंग ली जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड होगी, फ्री नहीं होगी, और पर्सनल रीडिंग को बुक कराने के लिए कॉल अलाउड नहीं है। व्हाट्सएप पर आपको मैसेज डालना है, इंक्वायरी आपको वहीं पर मिलेगी, कॉल नहीं करना है आपको, ठीक है। उसके अलग ये जो रीडिंग बनाई जा रही है, ये व्यूअर्स, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जा रहा। मैरिड, अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी इसे बिल्कुल देख सकता है। इवन ये टाइमलेस रीडिंग बनाई जा रही है, जब भी आपके सामने आ रही है आप इसे बेझिझक होकर बिना किसी टेंशन के देख सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए तब से ही एप्लीकेबल होगी। फोकस बस और बस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखें, जिनके लिए आप जानना चाह रहे हैं कि क्या अब इन्हें आपके होने ना होने से फ़र्क पड़ भी रहा है या नहीं, और क्यों पड़ रहा है, और ये सभी सवाल आप जानना चाहते हैं। तो गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन को अब व्यूअर्स के ना होने से कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और बताइए। डिवाइन फेदर फॉटर गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन को क्या फर्क पड़ रहा है या नहीं। बहुत तेजी से आए हैं भाई। पीस, लोटस फ्लावर एंड स्टार गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन को व्यूअर्स के ना होने से अब कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। रेन ड्रॉप्स, मिरर, स्टार्स, पिच फायर, प्रोटेस्ट। ओके, देखिए व्यूअर्स, मैं ऐसा देख पा रही हूँ, बेसिकली जब ये रिश्ता आप दोनों का ख़त्म हुआ, चाहे इन्होंने ख़त्म करा हो, आपने करा हो, बेसिकली उस पॉइंट पर इस पर्सन ने डेफिनेटली इस रिश्ते को सरेंडर ही करा था। एज एन अपने यूनिवर्स को, अपने डिवाइन को, या हालातों को, वक्त को, इस पर्सन ने इस रिश्ते को सरेंडर करा, इस सोच के साथ कि अगर ये रिश्ता इनका है, आप इनके हो, तो डेफिनेटली आप दोनों मिलोगे किसी मंजिल पर, किसी जगह पर आकर आप ज़रूर से मिलोगे, किसी मोड़ पर आकर आप ज़रूर से मिलोगे। लेकिन यहाँ पर अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे यहाँ पर ये वक्त बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे यहाँ पर चीज़ें बदलती जा रही हैं, आप बदलते जा रहे हो, हालात बदलते जा रहे हैं, वही वक्त बदलता जा रहा है जिसके भरोसे इस इंसान ने एक वक्त पे अपने इमोशंस, आपके इमोशंस, सभी चीज़ों को सरेंडर कर दिया था, वैसे वैसे इस इंसान को यहाँ पर फ़र्क पड़ना शुरू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि इस इंसान को ना अब यूनिवर्स, ये डिवाइन, कहीं ना कहीं वो सारे साइंस दे रही है जो इन्हें आपकी याद दिला रहे हैं। किस तरह के वो साइंस? उस तरह के साइंस जैसे जो भी आपने एक वक्त पे इस इंसान को मैसेजेस दिए थे,
ठीक है, वो मैसेजेस जिसमें आप इस रिश्ते के लिए अपने आप से एक मौका चाह रहे थे कि मुझे एक मौका दो, या इन्हें एक मौका देना चाह रहे थे, रिश्ते को एक मौका देना चाह रहे थे, वो मैसेजेस ऑल ऑफ सडन जैसे कि इस इंसान के सामने आया और वही मैसेजेस इंसान को उन्हीं पास्ट में लेकर गया जिस पास्ट में कहीं ना कहीं इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में वो सुकून, वो प्यार, वो इमोशंस को महसूस करा। या यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा यूनिवर्स की तरफ से एंजल नंबर, फेदर, ये सब दिखाई दे रहे हो, बटरफ्लाइज दिख रही हो, कपल में बर्ड्स दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो इस इंसान को डेफिनेटली ना ये ऑल ऑफ सडन आपकी ना होने से फ़र्क इसलिए पड़ना जैसे शुरू हो रहा है, जैसे यूनिवर्स ये चाहती है कि ये आपको याद करें, इन्हें आपके ना होने से फ़र्क पड़े, ये जो भूल रहे हैं, ये जो भूल बैठे हैं वो इन्हें याद दिलाया जा रहा है। यहाँ पे भी देखिएगा लोटस फ्लावर, फेदर, स्टार्स, तो सारे ऐसे साइंस इस पर्सन के आसपास मंडरा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, जो इन्हें आपकी याद दिला रहे हैं, जो इन्हें ये एहसास दिला रहे हैं कि इनके मन में अगर इस पल में सुकून नहीं है ना, तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि अपने सुकून को तो पीछे छोड़ते जा रहे हैं, पीछे छोड़कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हो सकता है एक वक्त पे आप ना इस इंसान को बहुत गाइड भी करते हो, आप इन्हें सही और गलत की पहचान कराते हो, या आप अपनी तरफ से बोलते भी हो। तो यहाँ पर इस इंसान के सामने ना कहीं कोई ऐसा पड़ाव भी आया है जिसमें इन्हें वही गाइडेंस की ज़रूरत पड़ रही है, या वही गाइडेंस इनके अब काम आ रही है, वही गाइडेंस इस इंसान को ना अपने लिए आज एकदम से एक डिवाइन भगवान की गाइडेंस के तौर पर लग रही है। तो पहली चीज तो यहाँ पर मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि जब ये इंसान दूर गए, इन्होंने रास्ते बंद करे आपके इनकी तरफ बढ़ने के, या इन्होंने अपने ही खुद के रास्ते बंद करे जो आपकी तरफ इन्हें लेकर आते, तो पहले तो डेफिनेटली इस इंसान ने यही सोच के साथ करे कि ये अपनी जिंदगी में आपके साथ के रिश्ते को अगर सरेंडर करते हैं, अपने इमोशंस को अगर सरेंडर करते हैं, तो डेफिनेटली ये अपनी जिंदगी में वो पा पाएंगे जो ये चाहते हैं। लेकिन अब इन्हें ऐसा यूनिवर्स की तरफ से सिग्नल्स जैसे मिल रहे हो कि ये सभी चीज़ें इन्हें अगर मिल भी गई तो उसमें वो सुकून नहीं है, और अब्बल तो वो चीज़ें मिलनी नहीं है, क्योंकि वो सभी चीज़ें होना हो आपसे ही शुरू हो रही थी, आपके लक के बेस पर, आपके साथ की वजह से मिल रही थी। तो पहली चीज़ ये क्लियर हुई व्यूअर्स यहाँ पे कि इस इंसान को आपके ना होने से फ़र्क भी पड़ रहा है, और दूसरी चीज़ ये इंसान अब आपको मिस भी कर रहे हैं, इवन आपने जो भी मैसेजेस इन्हें भेजे थे उन्हें पढ़ा जा रहा है, आपके साथ जो सुकून मिल रहा था, जो इमोशंस मिल रहे थे उन्हें सोचा जा रहा है, आप जिस भी तरह से इस इंसान को गाइड करते थे वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस करा जा रहा है, ठीक है। जो भी आपने इस इंसान से मौके मांगे इस रिश्ते में रहने के लिए, बने रहने के लिए, उन्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिस करा जा रहा है, और ये सभी चीज़ें कुछ तो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से हैं, एक डिवाइन कॉलिंग की वजह से हैं, और कुछ यहाँ पे आपके बदलने की वजह से, यहाँ पे आपका अपने आप से अपने आप पर वर्क करने की वजह से भी है। एज एन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपने यहाँ पर अपने आप पर बहुत वर्क करा, आपने अपनी उन सभी कमियों पर वर्क करा, वो कमियों पर वर्क करा जो आपको बहुत पहले करना चाहिए था, किसी भी तरह की हो सकती हैं, ठीक है। आपने वो चीज़ें, वो सपने, वो ख्वाहिशें अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करी जो कहीं ना कहीं शायद ये पर्सन भी चाहते थे, और आप तो ऑब्वियसली उन्हें चाहते थे सिवाय इस इंसान के। आपने यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लिया, यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा, आपने अपनी एक अलग यहाँ पर फाइट लड़ी, अपने आप को यहाँ पर हील करा, तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को अब आपके ना होने से फ़र्क क्रिएट कर रही हैं, या आपको मिस करने तक के लिए इन्हें बाध्य कर रही हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं व्यूअर्स जो अब इस पर्सन को अगर ये नहीं भी चाहते हैं ना याद करना, तो भी इन्हें आपकी याद आएगी, तो भी आपको याद करेंगे। तो इस चीज़ को हम और क्लैरिफाई करते हैं और समझते हैं व्यूअर्स कि आखिर ये पर्सन आपको और किस तरह से अब याद कर रहे हैं।
और किस तरह से अब इस इंसान को आपके ना होने से फर्क पड़ता जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। बताइए अब व्यूअर्स के पर्सन को व्यूअर्स के ना होने से और किस किस तरह से फर्क पड़ रहा है, प्लीज मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, गाइड कीजिए। नाइन ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नंबर नाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि सितंबर मंथ व्यूअर्स, यहाँ पे आपका अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट है। देखिएगा सबसे पहली चीज, यूनिवर्स ने, डिवाइन ने कहीं ना कहीं इस इंसान को ये चीजें तो एहसास दिला दी कि अगर इनकी जिंदगी में और चीजें इंपॉर्टेंट है, पैसा, स्टेबिलिटी, ये सब अगर इनके सपने हैं, ये ख्वाहिशें हैं, तो कहीं ना कहीं आपके बिना ये सभी चीजें अधूरी हैं, आपके बिना ये सभी चीजें होकर भी बेमायने हैं। तो यहाँ पर ये चीजें तो हैं कि अब ये पर्सन आपके ना होने से ये चीजें समझ पा रहे हैं कि ये जो भी है अब इनके पास, ये होकर भी बिल्कुल बेमायने होता जा रहा है। और दूसरी चीजें इस इंसान के ऊपर इस तरह से भी फर्क डाल रही है व्यूअर्स, जब से आपने इन्हें मौका देना बंद करा है या इनसे मौका मांगना आपने बंद करा है। ठीक है, यानी कि आपने अपने आप को प्रायोरिटी दी, यहाँ पे आपने अपने आप पर वर्क करा, अपने कंफर्ट जोन को आपने चुना, ना कि उस जोन को आपने चुना जहाँ पर ये इंसान ना तो आपको मौका दे रहे थे और ना आपसे मौका मांग रहे थे। तो ये सभी चीज़ें अब इस इंसान को कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं। एक चीज़ तो इनके ईगो को हर्ट कर रही हैं, या इन्हें ये एहसास दिला रही हैं कि जब ये नींद से जागे, जब इन्हें आपके ना होने से फ़र्क पड़ रहा है, तब तक यहाँ पर आपने अपनी तरफ के जो भी मौके लेने या देने थे वो यहाँ पर बंद कर दिए। तो यहाँ पर एक रिजेक्शन जैसी फीलिंग भी इस पर्सन को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है, जो इनके ऊपर फ़र्क डाल रही है कि आपने इन्हें रिजेक्ट कर दिया, आप इन्हें रिजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, वही इंसान इन्हें रिजेक्ट कर रहा है या कर रही है जो कभी एक वक्त पे इनसे शायद मैसेज कर करके मौका मांगता था या मौका मांगती थी। तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं इस इंसान के ऊपर फ़र्क डाल रही हैं व्यूअर्स, ये यहाँ पे है। ठीक है, तो ये पर्सन आपको उस तरह से मिस कर रहे हैं, पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो आप कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ इन्हें चुनते थे, चाहे कुछ भी हो जाए आपकी ज़िंदगी में आपके लिए यही प्रायोरिटी थे, लेकिन अभी आपकी प्रायोरिटी नहीं रहे हैं, तो वो चीज़ें भी अब इस इंसान के ऊपर फ़र्क डाल रही हैं। ठीक है, और देखते हैं, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर अब व्यूअर्स के ना होने से और किस तरह से फ़र्क पड़ रहा है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, गाइड कीजिए। सेवन ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है डेविल। ओके, वाटर एलिमेंट है यहाँ पे और कैप्रिकॉर्न है व्यूअर्स यहाँ पे। देखिए व्यूअर्स, बेसिकली अब आपके ना होने से ये पर्सन कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा यूनिवर्स की तरफ से जगाए जा रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने भ्रम से बाहर आते जा रहे हैं। वो भ्रम जिसके पीछे ये पर्सन बहुत लंबे समय से भाग रहे थे, जिसकी तरफ ये बहुत लंबे समय से अट्रैक्ट थे, और इसी भ्रम की वजह से इंसान ने ना आपको नहीं देखा, आपको देखकर इग्नोर करा, या आपके साथ के रिश्ते को सरेंडर करा, या इस रिश्ते में इस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ एक वक्त पे नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी ही फैलाई, उससे ज़्यादा इस इंसान ने कुछ इस रिश्ते के लिए नहीं करा। यानी कि अगर ये रिश्ता कंट्रोल में रहता है, आप कंट्रोल में रहते हो, ये जैसे इस रिश्ते में चाहते हैं, जो चाहते हैं अगर वो आप देते हो, वो करते हो, तो ये इस रिश्ते में आपके करीब रहेंगे, वरना नहीं। तो यहाँ पर अल्टीमेटली यूनिवर्स ने व्यूअर्स ना सिर्फ केवल इस पर्सन को यहाँ पर जगाया है, इस पर्सन को वो सच भी दिखाया जिस सच से ये भागना चाह रहे हैं, या जिस सच को ये खुद से देखना नहीं चाह रहे। वो सच यहाँ पर ये है कि ये इतने लंबे समय से जिस भी चीज़ को लेकर आपको इग्नोर कर रहे थे, वो अल्टीमेटली यूनिवर्स ने इन्हें दे रखी थी। ठीक है, ये यूनिवर्स अल्टीमेटली इन्हें अब ये आईना दिखा रहे हैं कि वो सभी चीज़ें सिर्फ आपके साथ रहने से इन्हें मिलती।
ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर व्यूअर्स ये चीजें तो है कि इस इंसान को ना जितना ज्यादा यूनिवर्स डंडे मार रही है, जितना ज्यादा इन्हें नींद से जगा रही है, इन्हें भ्रम की दुनिया से बाहर लेकर आ रही है, या जो इन्होंने रिश्ते को सरेंडर करा, जितना इन्हें वही रिश्ता सौंपा जा रहा है, दिखाया जा रहा है, उतना ज्यादा इस इंसान के ऊपर फर्क पड़ रहा है, उतना ज्यादा ये इंसान अपने आप को एकदम खाली, एकदम हाथ अपने खाली होते हुए पा रहे हैं। और उसके जस्ट अपोजिट आपके अंदर इतने चेंजेस आए हैं, आप इतने अट्रैक्टिव हो गए हो किसी भी चीज़ को लेकर जिसके पीछे ये भाग रहे थे, जिसे पाने के लिए ये आपको छोड़ रहे थे, तो आपके अंदर इतने चेंजेस आए हैं वो अलग इस इंसान के ऊपर फ़र्क डाल रही है। हो सकता है ये फ़र्क ना एक जेलेसी पॉइंट पर भी जा रहा हो, उसकी भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इनके पास जो रया सया था वो भी इनसे छूट गया, वो भी इनसे छूटता जा रहा है, और आपके पास जो था भी नहीं वो भी आपको मिलता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक जेलेसी पॉइंट के लेवल पर भी फर्क पड़ रहा है इन्हें, तो यहाँ पर ये है, ठीक है। स्टार को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर अब व्यूअर्स के ना होने से किस तरह से फर्क पड़ रहा है, गाइड कीजिए। टेन ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है द मून पाइसेस और जमेनाई लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुलायन कुंभ राशि। जितना ज़्यादा इस इंसान को बेसिकली ना अब आपके साथ सुकून महसूस हो रहा है कि अगर ये आपके साथ रहते हैं तो इनकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, या जब तक ये आपके साथ रहे तब तक इनकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून रहा, वही चीज़ें इस पर्सन को बार बार ये एहसास दिला रही है, इन्होंने अपने ही सुकून के बैग के पीछे खंजर घोंपे, इन्होंने अपने ही सुकून को अपने हाथ से दूर कर दिया। जैसे कि होता है ना कि ये तो था इनके पास, ये तो पहले से ही था, लेकिन इन्होंने ही तो उसे धक्का दिया, इन्होंने ही तो उस सुकून के साथ चीटिंग करनी चाहिए, और अब वो सुकून, वो यानी कि आप इनसे दूर हो गए हो। अब यहाँ पर ये चीज़ें है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं जो भी इन्होंने आपके साथ विश्वासघात करा, बैक स्टेप करा, उसका ये सामना नहीं कर पा रहे हैं, उसे ये देख नहीं पा रहे हैं, देखना नहीं चाह रहे हैं। एज एन फर्क पड़ रहा है कि हाँ क्या किससे मिल रहा था और क्या मिल सकता है, लेकिन अब उन सभी चीज़ों को पाने के लिए इन्हें सबसे पहले वो सभी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा जो इन्होंने बीते दिनों में करी, पास्ट में करी, यानी कि इतिहास यहाँ पर दोहराया जाएगा, इतिहास लौट कर आएगा, तो वो डर भी इनके मन में है। फर्क पड़ रहा है इस चीज़ का कि इतिहास यहाँ पर वापस लौट कर आएगा आपके साथ साथ, ठीक है। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर और किस तरह से फर्क पड़ रहा है। द फूल एंड द हर्मिट, लियो एंड एक्वेरियस। देखो जितना ज्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपको आपकी इम्पॉर्टेंस समझ पा रहे हैं, जितना ज़्यादा इस इंसान का एनलाइटमेंट हो रहा है ना, उतना ही ज़्यादा ये इंसान कहीं ना कहीं हर एक चीज़ को, सिचुएशन को रिस्की समझ रहे हैं, रिस्की होते हुए फील कर रहे हैं, उतना ज़्यादा ये इंसान इवन आपको भी ना अपने आप में रहते हुए देख रहे हैं कि आप यहाँ पे ना अपने आप में ज़्यादा हो, या आपकी तरफ से जो इस इंसान को एक नीडीनेस दिखती थी ना, अवेलेबिलिटी दिखती थी, वो अब इस इंसान को नहीं दिख रही। इस इंसान को जितना ज़्यादा इस चीज़ की चाह हो रही है कि चलो ये आप ही के साथ अब फिर से एक नई शुरुआत कर लेते हैं, उतना ज़्यादा आप यहाँ पर अपने लिए इन्हें डटकर खड़े होते हुए दिख रहे हो, अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो। तो बेसिकली ना मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स, जब ये इंसान आपकी इम्पोर्टेंस समझ पा रहे हैं, आपकी ज़रूरत जब इस इंसान को समझ में आ पा रही है ना, तब तक यहाँ पर बहुत सारे बदलाव आपके अंदर हालातों में हो चुके हैं, ठीक है। तो अब ये इंसान जितना ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, उतना ज़्यादा आपके अंदर आते हुए बदलावों की वजह से इस इंसान के ऊपर फर्क पड़ रहा है, क्योंकि इन्हें ये उम्मीद नहीं थी, ये इनकी उम्मीद से बिल्कुल बाहर था। आपके अंदर आए हुए बदलाव अब इस इंसान के ऊपर और ज़्यादा फर्क डाल रहे हैं, क्योंकि मिस करा जा रहा है, समझा जा रहा है हालातों को, सिचुएशन को, लेकिन सामने वाला या वाली बदलता जा रहा है या बदल चुका है, फर्क इन्हें इस तरह से पड़ रहा है।
प्रोटेस्ट को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए डिवाइन इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर किस तरह से फर्क पड़ रहा है अब व्यूअर्स के ना होने का, गाइड कीजिए बताइए, प्रोटेस्ट को क्लैरिफाई कीजिए बताइए व्यूअर्स के पर्सन को अब किस तरह से फर्क पड़ रहा है ना होने का व्यूअर्स के। फाइव ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, जिस तरह से इस इंसान ने आपके प्यार को, आपकी सच्चाई को, आपकी ईमानदारी को लात मारी थी ना, अब ये वो इंसान अपने आप को देख रहे हैं, उस जगह पर अपने आप को बैठे हुए देख रहे हैं जहाँ पर ये खुद से आपके प्यार के लिए तरस रहे हैं, जहाँ पर खुद से इस इंसान की बस यही चाह है कि किसी तरह से आप वही प्यार इन पर लुटा दो, उसी प्यार की वर्षा इनके ऊपर कर दो जो पहले करते थे। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर आपके अंदर जो बदलाव आए हैं वो इस इंसान को कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं हो रहे, वो इनके बर्दाश्त से बाहर जा रहे हैं। वो है कि यहाँ पे आप तो एक अपनी ही फाइट में हो, अपने एक जंग लड़ रहे हो और वो जंग आपकी इस इंसान के खिलाफ है, प्यार के खिलाफ है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली व्यूअर्स ये पर्सन आपको जितना ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए, जितना ज़्यादा फाइट करते हुए, जितना ज़्यादा ना बदलते हुए फील कर रहे हैं, देख रहे हैं, उतना इस इंसान के ऊपर और ज़्यादा चीज़ें फर्क डाल रही हैं, और ज़्यादा ये इंसान अंदर ही अंदर जिसे कुड़ रहे हैं। जब इन्हें समझ में आया तब तक अगले ने अपने अंदर इतने बदलाव क्रिएट कर दिए जो इनकी सोच से पूरी तरह से बाहर थे। चलिए ये देखते हैं इस फर्क के साथ अब ये पर्सन आपसे कहने की क्या चाह रख रहे हैं, इनके मैसेजेस देखते हैं, गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन इस फर्क के साथ साथ कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स से। प्लीज स्टे इन माई लाइफ, डोंट गो। तो बेसिकली जितना ज्यादा इस इंसान को अब आपके ना होने से फर्क पड़ रहा है उतना ज्यादा आप इन्हें दूर जाते हुए दिख रहे हो, इसीलिए कहना चाह रहे हैं कि दूर मत जाओ, मेरी लाइफ में बने रहो, आई लाइक यू, अब आपको पसंद करते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि चेंजेस आपके अंदर जो भी आए हैं ना वो इस इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आई वॉन्टेड टू टच यू कहना चाह रहे हैं, ये आपको टच करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले इन्हें आपका सामना करना पड़ेगा और उसके लिए ये अपने आप को भी तैयार नहीं कर पा रहे। यू इंस्पायर मी आपसे कहना चाह रहे हैं, हालांकि जो तुम्हारे अंदर बदलाव आए हैं, जिस भी तरह से तुम स्टैंड ले रहे हो, वो सभी चीज़ें मुझे इंस्पायर कर रही हैं, एंड आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू, लेकिन अब मन में डर है कि जब तक इन्हें समझ में आया, जब तक ये नींद से जागे, तब तक आपको ये खो बैठे, तब तक आपने अपने आप को पूरी तरह से इस इंसान के लिए बदल लिया। तो ऐसा भी ये पर्सन आपसे कहने की चाह रख रहे हैं। देख लेते हैं इतना फर्क अगर इस इंसान के ऊपर पड़ ही रहा है तो इस इंसान की तरफ से क्या आपको कोई उम्मीद करनी चाहिए किसी तरह से एक्शंस के आने की, ये देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से इस फर्क के साथ साथ किसी तरह के एक्शन आने के चांसेस अब हैं या नहीं, गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, अनडिसाइडेड मोड पे ये दिख रहे हैं, यानी कि डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। रीजन इज यू, रीजन आप बने हुए हो, क्योंकि जिस तरह से आपने इस इंसान की परवाह करी, इमोशनली लेवल पर जिस तरह से आप इनके लिए अवेलेबल रहे, इन्हें स्टेबिलिटी आप में दिख रही थी, वो सभी चीज़ें अब आपकी तरफ से मिसिंग है, वो सभी चीज़ें अब आपकी तरफ से आपने कंट्रोल कर रखी हैं। तो ये सभी चीज़ें इस इंसान को कहीं ना कहीं सही नतीजे पर पहुँचने नहीं दे रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाल फिलहाल में तो पॉसिबिलिटीज नहीं है। रीजन इज यू अगेन, इन्हें ऐसा लग रहा है बेसिकली ना कि आपके दिल में इस बदलाव, इस चेंजेस के साथ साथ इस इंसान को लेकर किसी भी तरह की अब कोई सिंपैथी भी नहीं रही है, ठीक है। जिस भी तरह से आप यहाँ पे स्टैंड ले रहे हो, चाहे लीगल एक्शन लेकर, इनसे बात ना करके, इन्हें ब्लॉक करके, देखो क्वीन ऑफ वैंड्स, कॉन्फिडेंट एनर्जी में आप दिख रहे हो व्यूअर्स, जजमेंट का कार्ड है,
हालांकि व्यूअर्स इस कनेक्शन में क्लैरिटी आएगी, लेकिन ये सभी चीज़ें ना डिस्टाइंड होंगी। जैसे ये पर्सन एनलाइटेड हो रहे हैं, इनको एनलाइट करा जा रहा है, इम्पॉर्टेंस समझाई जा रही है प्यार की, रिश्ते की, आपकी। तो यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ जैसे कि ना कुछ चीज़ें ऐसी यहाँ पर होंगी, कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट होंगे जिसमें ना आप दोनों का आमना सामना होगा और चीज़ें वहाँ पर जाकर क्लियर होंगी। मतलब ऐसा देख पा रही हूँ ना तो आपकी तरफ से पहल, ना इनकी तरफ से पहल, ये जो भी पहल है यूनिवर्स यहाँ पर जैसे ये सभी चीज़ें क्रिएट करेगी, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर इस रिश्ते में कुछ और चाहती है, ठीक है, इस रिश्ते को नए सिरे से शुरू होते हुए देखना चाहती है। तो ऐसे यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस बनेंगे, लेकिन उसके लिए यहाँ पर ऑब्वियसली 13 से 14 हफ्ते तो यहाँ पर लगने के चांसेस मुझे बनते हुए दिख रहे हैं जब भी आपके सामने रीडिंग आती है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ। व्यूअर्स आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो इस रीडिंग से, अगर आपको रीडिंग के माध्यम से जानकारी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाए हैं और आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो भाई जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए जब भी नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।